हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने पैरों की किस तरह सफाई कर सकते हैं। जो हमारे एड़ियों के ऊपर जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। कई लोग जो है घर में नंगे पांव चलते हैं, या कईयों के किचन में जो है वो अलाउ नहीं होता है कि चप्पल पहन के जाया जाए। तो नंगे पैर चलने से ज़्यादातर जो लेडीज़ की पैरों की जो स्किन है, एड़ियों की स्किन है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और उन क्रैक्स के अंदर जो है गंदगी, मैल वगैरह जमा हो जाती है। तो उसमें जो है इन्फेक्शन वगैरह होती है और ब्लीडिंग भी होती है समटाइम्स। तो आज की जो वीडियो है, मैं आपको बताऊंगी किस तरह हम घर में ईजीली, आसानी से जो है खुद अपने पैरों की एड़ियों को जो है बिल्कुल ही क्लीन करेंगे। और उसके लिए हमें किसी तरह के भी इलेक्ट्रिक जो है वो फुट रोलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी तरह से हम कोई और उसके लिए बिल्कुल भी जो है बहुत ही सिंपल एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो सबके घर में अवेलेबल आपको सबको मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है एक टब में गुनगुना जो पानी चाहिए, ताकि जिसमें हमारे पैर जो हैं वो डिप हो सकें। और एक चम्मच जो है ये नमक है, आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी ले सकते हो, मैंने नमक लिया है। और ये लेमन है, इसे भी हम इसी तरह से डाल देंगे। और एक है शैम्पू, कोई भी शैम्पू का सैशे जो है वो आप इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। और हमें अपने पैरों को इसमें 15 मिनट के लिए जो है डिप करके रखना है, ताकि जो आपके पैरों की स्किन है, जो डेड स्किन है, वो जो है सॉफ्ट हो जाए, जो हार्ड होती है हमारी स्किन। बस तो 15 मिनट के लिए जो है मैं अपने पैरों को इसमें डिप करके रखूंगी इस तरह से। इससे जो है लेमन जो हमने इसमें डाला है, इससे आपके पैरों का जो कलर है वो भी फेयर होगा। अगर आपके पैरों के ऊपर टैनिंग है तो वो भी खत्म हो जाएगी आपकी। तो 15 मिनट के बाद जो है हम अपने पैरों को इस तरह से पानी में से निकाल लेंगे। तो पैरों को हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे, टॉवल या कपड़े से सुखा लो। तो 15 मिनट के बाद आपको अपने पैरों को जब आप पानी में से निकाल लेंगे, तो उसके बाद आपको चाहिए इस तरह से एक रेजर, जिसमें कि ये हमारा जो है सिंपल जिसमें ब्लेड डलता है वो वाला रेजर चाहिए आपको। इस तरह से जो आजकल बाजार में मिल रहे हैं, इस तरह से ये रेजर नहीं चाहिए आपको, ये वाला रेजर चाहिए जिसमें कि हम ब्लेड डालते हैं। तो सेम यही काम जो है इलेक्ट्रिक फुट रोलर भी करता है, तो आपको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर है। अगर आपकी हार्ड स्किन है बहुत ज़्यादा, तो आप जब तक आपकी स्किन सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। जब तक आप 15-20 मिनट पक्का आपको पानी में रखनी है आपके जो पैर हैं, जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब आपको पानी में से निकाल कर इसको यूज़ करना है। तो अब आप देखो कि ये जो स्किन है ये सॉफ्ट हो गई है। तो आपको इस तरह से रेजर को लेके अपने हाथ में हल्का हल्का, ये देखिए, ये देखो स्किन जो है इस तरह से इसमें दिख रही है। तो पूरी एड़ी को हम इस तरह से साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड जो है हाथ से मत करना। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आप बहुत ही धीरे धीरे से आराम से करना इस तरह से। देखिए इस तरह आप दोनों पैरों के ऊपर जो है अपनी एड़ियों की तरह साफ कर लें। सेम इसी प्रोसीजर से हम दूसरा पैर भी साफ कर लेंगे। ये देखिए पूरी जो एड़ी है कितनी ज़्यादा जो है क्लीन हो गई है, बिल्कुल ही साफ हो गई है, और सारी की सारी जो डेड स्किन है वो इस तरह से निकल गई है। तो अब इसके बाद हम अपने पैरों के ऊपर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, ताकि जो हमारी स्किन है वो रफ ना हो, स्मूद हो जाए। तो दोनों पैरों के ऊपर मैं अच्छी तरह से ये है मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, ताकि आपके जो पैर हैं वो हार्ड ना हो, रफ ना हो जाएं। इस तरह से देखिए दोनों ही एड़ियाँ जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई हैं, जितनी भी डेड स्किन थी वो सारी जो है वो निकल गई है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बहुत ही ईजी
बहुत ही आसानी से अपने पैरों के ऊपर जितनी भी जमी हुई गंदी डेड स्किन है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, आप उसको इस तरह से बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके पास इससे भी बेटर कोई और अच्छा तरीका है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन मुझे इस तरह से जिस तरह से मैं करती हूँ वो मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।